आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। अमरावती की दरियापुर पुलिस को शुक्रवार 26 मई को सुबह जानकारी मिली कि एक ट्रक में मवेशियों को क्रूरता से भरकर ले जाया जा रहा है। इसी टिप के आधार पर दरियापुर एवं मूर्तिजापुर शहर पुलिस ने संयुक्त रूप से ट्रक को मूर्तिजापुर के उड़ान पुल से अपने कब्जे में लिया और ट्रक से 50 मवेशी बचाकर गौशाला में भिजवाया। आगामी 29 जून को आषाढ़ी एकादशी है, जिससे 15 जून से पंढरपुर के लिए विशेष एसटी बसें छोड़ी जाएगी। वारी के बाद 5 जुलाई तक बसें शुरू रहेगी। अकोला विभाग में कुल 9 डिपो है। आषाढ़ी एकादशी यात्रा कालावधि में इन डिपो से 200 बसें यात्रियों के लिए उपलब्ध करवा कर दी जाएगी। जिले भर में किसान बहुत तेजी से खरीफ फसलों की बुआई के लिए अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं। अनेक किसानों ने तो परिश्रम करके अपने खेतों को तैयार कर लिया है। अब किसानों की गर्दी बीज खरीदारी के लिए बिजवाई की दुकानों पर देखी जा रही है। अकोला, बारशिटाकली, पातुर, मूर्तिजापुर तहसील के राजस्व, पुलिस, होमगार्ड, स्वयंसेवी संस्था, सरपंच, पुलिस पाटिल, खोज एवं बचाव का काम करने वाले स्थानीय नागरिकों को आपदा प्रबंधन दल द्वारा बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जरूरी प्रशिक्षण एवं प्रातिक्षिक काटेपूर्णा परियोजना परिसर में दिखाया गया। ये प्रशिक्षण राज्य आपदा प्रबंधन दल की ओर से दिया गया। आषाढ़ी एकादशी यात्रा में शामिल होने श्री गजानन महाराज की पालकी शुक्रवार को सुबह 7 बजे शेगांव से रवाना हुई। श्री क्षेत्र पंढरपुर के लिए श्री की पालकी का ये 54वां वर्ष है। श्री संत गजानन महाराज की पालकी आज पारस होते हुए गाय गांव पहुंचेगी और कल सुबह अकोला में आगमन होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार सम्मेलन का आयोजन जिलाधिकारी कार्यालय में किया गया था। इस सम्मेलन में 219 उम्मीदवारों ने हाजिरी लगाई तथा मुलाकात दी। इनमें से 102 उम्मीदवारों को प्राथमिक चयन किया गया है। ये जानकारी जिला कौशल विकास रोजगार उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र के सहायक आयुक्त ठाकरे ने दी। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में अकोला गायत्री परिवार महिला शाखा द्वारा पीएससी सेंटर पर आशा वर्करों की गर्भ संस्कार कार्यशाला ली गई। 23 मई को आपातापा पीएससी सेंटर, 24 मई को पिंजर की पीएससी सेंटर पर तथा 25 मई को पल्सो बड़े पीएससी सेंटर पर आशा वर्करों की गर्भशाला संपन्न हुई। उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र कक्षा 12वीं पूरक परीक्षा जुलाई अगस्त 2023 के बीच आयोजित की जाएगी और इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 मई से 9 जून 2023 तक स्वीकार किए जाने की जानकारी शिक्षा विभाग की ओर से दी गई है। फरवरी मार्च 2023 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र अपनी जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र में भर सकते हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा पर आधारित कृषि पंपों के विद्युतीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है और महाऊर्जा के विभागीय महाप्रबंधक प्रफुल्ल तायरे ने किसानों से आवेदन करने की अपील की है। इस सीजन में सरकार के समर्थन मूल्य 5,335 रुपये पर चना खरीदा जा रहा है। चूंकि बाजार में चना का भाव कम है, इसलिए सरकारी खरीद को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अब तक 2 बार लक्ष्य बढ़ाना पड़ा। अब विधायक रणधीर सावरकर के प्रयास से अकोला जिले में किसानों से 5 लाख क्विंटल चना खरीदी का लक्ष्य बढ़ाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज। दिव्य हिंदी न्यूज न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज पेपर, न्यूज चैनल, IT प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को भी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहे। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।